हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:15 बज गए हैं। बच्चों की स्कूल में चलने की तैयारी, और आज एक बच्चे ने काफ़ी परेशान कर रखा है। नाना का नाम ही नहीं ले रहा, नुगारे ठंड लग रही है। नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। अरे भाई, गर्मी आ गई है, अब तो नहाना ही पड़ेगा। और प्रीति उसे फिर भी ले गई बाथरूम में, ना चल। और इधर माँ कर रही है चिंकी के बालों में कंघी। कल चिंकी ने स्कूल को मिस कर दिया था, और आज ये जाएगी, आज इनका पेपर है। अभी नंदनी आरुषि को तैयार कर दिया है, बस उनके बालों को थोड़ा सुखा के कंघी करनी है। और यहाँ तक आवाज़ आ रही उसकी रोने की, और ये तो हंस खुस कर नाली, लेकिन उसे नहाने में ना पूरा आड़ा सारा। ये देखो बाल सुखा रही है, बाल हिला हिला के इस तरीके से करके बाल इतना हिला के सुखा रही ना। अभी यहाँ बैठ के पीछे गिरती बहुत तेज। अजी हाँ, या घूम गई होगी, पड़ गई एकदम से, नहीं बहुत तेज गिरती। अभी घूम गई होगी या लगती लगती बाल, पता नहीं तेरे साथ में हो क्या जाएगा है? बाल हिलाने सीख जाएगी अभी। और मैं चलती हूँ किचन में, मैंने चाय बना दी है, दूध गर्म कर दिया है। आज इनके लिए बनाने हैं सैंडविच, आलू बॉईल कर दिया है, माँ ने आलू का छिलका उतार दिया है और सारी तैयारियाँ कर रखी है। बस मुझे सैंडविच में मिर्च कम डालनी है, और उसने बोला है कि मम्मी मिर्च मत डालना, लेकिन यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी दो मिर्ची काटी है। और ये प्याज, ये आ गए हैं 3 पैकेट ब्रेड के, तो बच्चों को देते हैं एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना के, क्योंकि हमारे पास में रखी है लाल चटनी बहुत सारी, तो बच्चे कह रहे थे कि इसके साथ में खाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगेंगे। गले में थोड़ी सी राहत है, लेकिन अभी तक मुझे गर्म पानी पीने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि इन्हें बच्चों को भेजने के बाद में गर्म पानी पीऊँगी और आराम से पूजा करूँगी। कितनी रोने की आवाज़ आ रही है यार उसकी। वो अभी बच्चा है बेटा, हाथ में क्या करवा लिया? हाँ जी, यही है। और ये इन्हें पहनाएंगे जूते से और सॉक्स। वो जो अंगूठे की साइड की खाल हो गए ना, वो फटगी सारी, खाली होगी। एमा नहीं नहीं खाई। वो चक्कू से प्याज काट रही थी और वो लग गया, प्याज ज्यादा चरचरी थी इसलिए आंखों में पानी आ रहा था। कौन सा रोरदा, कौन सा प्लानर, कौन सा भरमा खारा है? ये नीचे रख के खाओ बेटा, सिर से ऊपर उठा के नहीं खाते इन्हें। बर्डर क्या है ये, नाम पता है इनका क्या है? हाँ, ये होममेड सैंडविच है, देसी सैंडविच है। हाँ देसी है। प्याज प्याज नहीं खाती, लो बना लो सैंडविच। प्याज और मिर्ची ढूंढ रहे हैं मैं पहले, ये खोजते रहोगे, टाइम होने वाला, जल्दी जल्दी कर लो। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर से हम लोग अपने उसी रूटीन में वापस आ चुके हैं, और शादी में जो है बड़ी ही चहल पहल रही, बहुत ज़्यादा व्यस्त हम लोग रहे और बहुत अच्छे से सारे काम निपट गए। तो जी, कुछ लोगों का सवाल था कि मतलब अमित की मम्मी को किसी ने याद नहीं किया। देखो, हर मोमेंट पे उन्हें सबने याद किया है, लेकिन वही है, अपने आप को सबने संभाल रखा था। शादी में सबने एक दूसरे को देख के अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना लिया था कि अगर एक भी बंदर होएगा तो सबकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन माँ ने भी अपने आप को मतलब छुपा रखा था, मतलब छुप छुप कर रोती रही माँ भी इतनी। जब पूजा पाठ करवाती थी मैंने देखा माँ की आंखों में आंसू, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल ही लेते। बच्चों को जैसे बच्चे अगर वहाँ बैठे थे तो हम कह देते तुम ऊपर चले जाओ, तुम्हें कोई सब बुला रहा। इस तरीके से हमने सारा काम किया है, लेकिन हर एक पल पे, हर एक मोमेंट पे उन्हें ऐसा कोई नहीं जिसने याद ना किया हो कि
अमित के चैनल पे जाके देख लो, बबली के, अरविंद के, किसी को कोई दुख ही नहीं है। दुख होता है जी, जो दुख यहाँ छिपा रहता है ना वो कोई नहीं समझ सकता। और हर वक्त ऐसे मोमेंट पे हम रो का भी नहीं दिखा सकते। माहौल ख़राब होता है शादी का, देखो सब ये सोचेंगे ऐसा कर ला ही नहीं, पीरियड थी ज़्यादा, हमें नहीं थी। हर एक रस्म पे उन्हें याद किया गया है, बात की बात लिया था अमित की मौसी ने, तो ऐसा नहीं है। बच्चों ने अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना लिया था बहुत ज़्यादा। और रही बात आने जाने की, जिन जिन के यहाँ पे आना जाना था उन्होंने सबको बुलाया है। अगर कोई नहीं आ रहा है उसमें किसी के साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो भाई आज 15 मार्च को है हमारी भतीजी, हमारे घर की तीसरी बेटी का जन्मदिन माही का, और उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, जैसे इधर भी एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। तो हमने बोला था कि अगर माही तेरा एग्ज़ाम ना हुआ तो हम लोग बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। देखो भाई एक दो बंदा तो वहाँ पे जा सकता है, शामली में रहती है हमारे जेठ जेठानी, लेकिन तो सब नहीं जा सकते, सब नहीं जा सकते ना, माँ पिताजी नहीं जा सकते, पूरा घर खाली करके एकदम जा ही नहीं जाता घर छोड़ के। अगर छुट्टी होती बच्चे की तो हम लोग यहीं पे अपनी फैमिली के, पूरी फैमिली के साथ में सेलिब्रेशन करते, यहीं बुला लेते से। हाँ, और मैंने उसे कह के भी भेजा था कि बेटा अगर तेरी छुट्टी रहेगी तो तुम आ जाइयो, लेकिन बच्चों की छुट्टी नहीं है इस बीच में। और आपको पता ही है बीच बीच में उसके एग्जाम यहीं से दिलवाए गए थे जब उनकी मम्मी यहीं पर थी, क्योंकि शादी में देखो जरूरी था शादी भी अटेंड करना। हाँ। और फिर पढ़ाई का भी, पढ़ाई भी खराब नहीं करी जाती बच्चों की जब जा, मतलब इतना टाइम हो जा, शादी को काफी एंजॉय कर लिया सब। और बच्चों के एग्जाम की वजह से ही सब, मीनाक्षी बहन बारात में से उधर के उधर ही चली गई थी, वो वापस नहीं आई, अगले दिन चली गई। पिंकी दीदी भी अगले दिन चली गई थी, माई की मम्मी भी उसी दिन चली गई थी, जितने भी गेस्ट आए थे बच्चों के एग्जाम चले ना सब जल्दी जल्दी चले गए। और हमारे बच्चों के एग्जाम में थोड़ा सा देखो हरी स्कूल का हिसाब अलग होता है, उनकी छुट्टियां थी इस वजह से हमने जो है अच्छे से सब कुछ जो है अटेंड कर लिया। हाँ जी, वरना हमारी भाग दौड़ ऐसे ही रहती, बच्चों के पेपर तो छुटवाए नहीं जाते। और सबसे पहले तो माई को हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल हो और कामयाब हो, और हम सबका अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करो, और हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। हैप्पी बर्थडे टू यू माई, गॉड ब्लेस यू बेटा, हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। तो आप सब भी हमारी घर की तीसरी बेटी माई को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार देना, और बच्चे आपके आशीर्वाद से ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो भाई शादी विवाह की सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी है, अब बहू का हमारी तरफ से होली की जो पहली कोथली होती है, पहला सिंगारा जाएगा और उसकी तैयारी करेंगे हम कल, मैं और प्रीति। आज थोड़ा सा इधर का काम निपटा लेते हैं, पूजा से बात हुई थी फ़ोन पर, उसकी भी तबीयत में अब सुधार है, और नाश्ता वगैरह उसने बना लिया था। कल शाम के टाइम गई थी मैं घर पे, थोड़े से बिस्तरे वगैरह संगवा के आई थी, अब देखो ज़्यादा टाइम मैं उधर दे भी नहीं पा रही क्योंकि इधर का भी काम है, इधर भी सारा काम अस्त व्यस्त था। और देखो मिलने वाले सब्सक्राइबर जो है आए रोज, मतलब मिलने वाले आए रहते हैं, तो इस वजह से मैं पूरा टाइम वहाँ पे दे नहीं पाती, क्योंकि जो भी कोई मिलने के लिए आता है वो यहीं पे आता है घर पे। तो कल शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए गई थी, कुछ कपड़ा वगैरह लगा के देख आना था, किसी का जाना था, मतलब उन्हें पता नहीं था, बच्चों को तो मैंने ही रख रखा था। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई बिस्तरे वगैरह संगवा देते हैं इनके, तो थोड़ा सा बच्चों को बता बता कर करवाना पड़ा है। और जी सफलतापूर्वक सारे काम बढ़िया हो गए, आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से, जिम्मेदारी का सारा काम सौंप रखा इसे, आज से नहीं पहले से ही खाल समय बहुत लेट आए था मेरा, तो तू करोगे भी आ इसका सबसे पहले कहा, मेरा तो 4 साल है, कद्दू नंबर आएगा तो मगर तेरा भी नंबर आएगा आज, ये बहु के माई के जा रहा कपड़े लेने, ये बड़ा चढ़ा बना रखा, मगर आज जा रहे मगर लेन, मगर मैं तो नंदनी को लेकर जाता चल, यो काम तू ही कर का, फिर देखेंगे और तो बड़े चढ़े तो ठीक है, कोथली भी ले जाएगा, यो ही ले जाएगा, हेलमेट लगा के जाइए, कोथली लेगा हम चले जाएंगे, अब तो सब जाना है कोथली में अपन रही। माँ इस तरीके से देख रही है, झुककर पढ़ रही हो इसे, है माँ दूसरे को देख कर तो ऐसा ही लगा का, कुछ तो आता ही होगा इस पर जी, तो ठा कर देख रही। आज फिर कपड़े लत्ते उठा लाए, आज मोटे कपड़े धोने का है प्लान, और एंट्री करते हुए यहाँ पे और एंटर होते हुए आई एस आई और मानते हैं क्या
अच्छा ये पढ़ लिया तुमने हैं, अपोलो अपोलो पाइप है ये, मिस्त्री तो यही बतावे भाई। इसे कर देता हूँ बंद, इसका लगा देता हूँ ये वाला लोक, ये लग गया लोक। और भाई बाइक पे ना टेम्परेरी चद्दर डाल रखी है, इसका प्रॉपर कवर नहीं है, ये भी ठाला है, प्रॉपर कवर डाल लेंगे भाई। ये तो ये कह रहे थे धो दिया, मिट्टी सी लग रही। तो चलो भाई अब इसकी ओढ़नी ये वाली उतारते हैं, और इसका जो प्रॉपर लिबाज है वो इसको पहना देते हैं। धूल मिट्टी ना घुसे भाई इसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूल भरी आंधिया टाइप की चलती हैं। और शीशे ढक के रखने पड़े हैं भाई, इसमें चिड़िया विड़िया आके अपना मुंह देखें कैसी लग रही है। उस पर दूसरी बाइक खड़ी थी ना उनकी, मिस्त्री होगी हाँ। उसके शीशे पे मुंह चोंच मार मार के निशान कर रखे थे पूरे, हाँ कर दिए होंगे। वे अपना मुंह देखने आवे इसमें कैसी लग रही हूँ मैं। चलो भाई अपनी फसल देख लेते हैं भाई, अपने गार्डन की लौकी के पौधे हैं, हो जाएंगे ये धीरे धीरे। अभी कल रोपे गए हैं यहाँ पे, और इनमें पानी शाम को दिया जा रहा है अभी डेली बेस पे। और एक ये है भाई देखो, ये भी अच्छा हो रहा। कुछ पौधे जो है मुरझा गए थे, कुछ इनमें से झुलस गए थे भाई वो, और यहाँ पे नए बीज लगाए। और उधर लगा दिया मशीन उसने कपड़े धोने की, सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा काम डेली वाला। कौन है? अरे तू आ गया, ओहो ये स्कूल से आ गया भाई, और साइकिल भी लेगा। आ जा आ जा आ जा, साइकिल भी लेके आ गया। अब वो कहाँ है दोनों? ये देखो अभी आया होगा स्कूल से, और तुरंत कपड़े चेंज करके साइकिल लेके आ गया अपनी। चढ़ो रहा थोड़ा थोड़ा, यहाँ उधर को चला ले, देख तेरे टायर गंदे होके आए हैं साइकिल के, झाड़ कैसे लेगा इधर हैं। और भी आया तो भाई आरुषि भी आ गई भाई, आरुषि हैं। अरे आरुषि भी आ जा बेटे, आओ इधर। और वो कहाँ है नंदू? नंदू घर, नंदू भी आती होगी, इसने एंट्री मारी तो नंदू कहाँ पे? और क्यों रो रही? भूख लग रही थी। अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, खाना खा के आ जाएगी। कुछ कपड़े लाई था यार उसी, इसे बंद कर ले, खोल ही दिया मैंने। और बाहर सड़क से दूर मत जाइए। पापा जी मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। जब मेहमान घर पे आवे वो तो घेर घेर में भी आवे ना देखने। अच्छा काम चला की नहीं? अच्छा घेर में आवे के इसलिए गेट गेट खोल गया। ठीक है भाई ठीक है, सरकार खोल दी है। और उसी खुद ही आशीर्वाद ले रही है, बेटे जीत रहो खुश रहो, ये तो हमेशा ही है। अब आज छोड़ दो मेरा। काहे का था आज पेपर? आर्ट। आर्ट का था, क्या बना गया आर्ट में? एक तो मूली, मूली अच्छा। एक फूल, एक फूल सनफ्लावर, अच्छा एक तो क्या बना के आया? इनने भी 70 में तो 70 आए। ओ बेटे तुरंत ही पता चल जावे। मैम जी तो पूछा था। अच्छा पूछ लिया था, देख लो गिल्ले में बढ़ रही और पजे पैर करके पजे निकल जाएगी। मजा आ रहा किचड़ में घूमते हुए, उसे साइकिल चलाने में और इसको पैदल चलने में। इसे आना है इधर की तरफ, और यहाँ ले आवेगा। देख टायर गंदे ना उसके पहिए, और बिना गंदे करे उठा के लानी तुझे। अब ला कैसे लावेगा? और उसी तो उठा लेगी, इस पे तो उम्मीद है, चलानी भले ही ना आती हो लेकिन उठा लेगी उसे। ओ बेटे ला, देख गिरने से भी बचना है। अरे हट जा तू, ले ले हाँ ले आई, क्या तेरे बस की नहीं है ये। पापा जी मैं भी लिया था पर इन्ने छीन ली। अब छीन ली इन्ने, ले आता वैसे ही, और उसी ने रख दी, देख ले उठा के। पापा जी कौन सा गड्ढा हो रहा? कौन सा? जो ये सीक्रेट भी ले किसी चीज का, कैसे खोद दे? खोद दे? अरे बेटे नई मिट्टी का भरा हुआ है ये, इसमें बोरे होल। और धूप में ऐसे इधर आ जा और उसी, बेटा धूप हो रही है बहुत अभी, और इसे भी धूप में चलाने का शौक हो रहा, अंदर कितनी जगह है देख के। और उसी की रीस न करियो, कभी किचड़ में ही जा। देखो फिर से लग गया, अब की बार दो। देख देख कैसे पकड़ रहा। ले बेटे ले,
और उसी खावे असली घी, तेरे बस की ना है कुछ भी, फिर को दा दे उधर साइकिल। तो भाई फिलहाल मैं और आरुष ले रहे हैं एक छोटे से ब्रेक का आनंद, अभी ये भी थक गया था साइकिल चलाते चलाते, इसने साइकिल चलाई यहाँ घेर के अंदर भी, बाहर सड़क पे और उधर घर से। बाहर सड़क पे नहीं, बाहर सड़क में पैदल पैदल लेके जा रहा था, जब घेर में आकर था ना चला चला के ला था। तो पैदल लेके आने की क्या जरूरत थी, चला के लाते उसे यहाँ घेर में। पर ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अच्छा ऐसे चढ़ाने में, चढ़ाने में भी पैदल चलना पड़ा है बापा जी, चढ़ाना। अच्छा। है तो वरना चढ़ जाएगी नहीं गिर जाएगी साइकिल। कहाँ चढ़ाना है, सड़क पे, सड़क पे तो चलना है। चलो मैं पापा जी को कर देता हूँ, घर चलिए अभी भी, अभी हम चलेंगे साथ में चलिए। और उसी भी आई थी, वो चली गई भाई, और उसने इसकी साइकिल उधर से उधर उठा के इसकी मदद करी, रास्ते में पानी भर रहा था ना, कीचड़ हो रहा था घर के अंदर ही, यहाँ घेर के, और इस पे वो खुदाई नहीं जा रही थी, अगर उसमें कोई निकालता उसके टायर गंदे होते, अंदर भी गंदा करता, ऐसे कई बार चेतावनी मिली। पापा जी और दूर से उठा गए, मेरे कपड़े भी गंदे हो सके थे, पहले मैं चला के लेकर आऊंगे। वो कहीं से भी उठाती है, पर तेरे से ज्यादा ताकतवर है, वो उठा के रख दे, तो डर रहा था। हाँ, तो कौन सा अंग्रेजी घी। पापा जी मेरे पाप फिसल जाते हैं, चप्पल फिसली में आवे। काफी खुला स्पेस है और इन्होंने प्लास्टिक की पट्टियां बांधी हुई है, बंधवाई थी चाचा जी से, और इन पर खूब सारे कपड़े बल्क में धो सकते हैं, कपड़ों को भीड़ नहीं होती, और वहाँ ऊपर लेके चढ़ना पड़ता था छत पे घर तो, और यहाँ पे ये नीचे ही आ जाते हैं सारे देखो। और जितने भी भाई कपड़े लत्ते मोटे पतले गंदे हो रखे थे, अब सर्दियों के कपड़े जितने हैं उनका तो रखने का नंबर आ गया, इजी में धो धो के उन्हें तो फिर लेके चल दिया, और फिर उधर गारे में ले जाएगा। अभी कपड़ों की धुलाई का काम हो चुका है, और जब उधर जाती हूँ मैं तब तो मेरे हाथों में बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन जब जाती हूँ ऐसा लगता है मैं कुछ लेके आई थी, लेकिन ये कपड़े मैंने धो के डाल दिए, ये लेके आई थी। चलो भाई चलते हैं अब घर, घर के कुछ काम देख लेते हैं। आओ फॉलो मी, थमले को हटा के। और इसी बीच में कुछ मिलने वाले आ गए थे, मशीन लगा के मैं घर चली गई थी, और फिर एक दो काम करवा के आ गई थी। चलो भाई कपड़ों का भी काम जरूरी है, तो भाई इसे कर देते हैं थोड़ा सा बंद, अभी इसमें जो है कुंडी वंडी लगा देते हैं। चाचा जी यहीं पे ऊपर ले आराम कर रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है अभी, क्योंकि यहाँ पे हैं चाचा जी, और हम चलते हैं घर। दोपहर ही है, काफ़ी धूप है तेज, पीछे गेहूं की फसल जो है बाली आ गई हैं, गेहूं बन के तैयार हो जाएंगे, जिससे कि हमें अनाज भी मिलेगा। यहाँ चल रही अनाज की धुलाई, वहाँ चल रही कपड़ों की, वहाँ चल रही कपड़ों की धुलाई, और घर की देखो धुलाई करवा देती है, धुलाई सेंटर बन चुका है। अमित का भी ऐसा हुआ, धुलाई धुलाई चल रही बस कितने दिन तक, धुलाई सेंटर बन गया शादी के बाद में पूरा घर।